आज के प्रीलिम्स प्रिपरेशन की नंबर सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ईयर्स टुवर्ड्स इंडियन इंडिपेंडेंस। मतलब कि ये टाइमलाइन चंपारण मूवमेंट से लेकर के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से होते हुए आगे बढ़ेगी। हाँ, मुझे पता है कि आपने ना एनसीईआरटी में ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आ जाओ फिर 2 मिनट में क्विक रिविजन कर लेते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1917 चंपारण मूवमेंट। 1918 पेजेंट मूवमेंट्स इन खेड़ा गुजरात एंड वर्कर मूवमेंट्स इन अहमदाबाद। 1919 में रोलर सत्याग्रह फ्रॉम मार्च टू अप्रैल एंड जालियांवाला बाग मैसेकेयर इन अप्रैल। 1921 में नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट्स। 1928 वाज द ईयर ऑफ पेजेंट मूवमेंट्स इन बरदौली। इन 1929 पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस एट लाहौर कांग्रेस। In 1930, civil disobedience movement begins and Dandi March from March to April. 1931 के मार्च में गांधी अर्बन पैक्ट साइन हुआ था और दिसंबर में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोमिसेस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अगस्त। 1946 में ब्लडी रायट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता एज जिन्ना आस्क्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे। महात्मा गांधी विजिट्स नोआखाली एंड अदर रायट टॉर्न एरियाज टू स्टॉप कम्युनल वायलेंस। और फाइनली 15 अगस्त 1947 में जाके इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन गांधी जी ने 24 घंटे का व्रत रखा था बिकॉज द फ्रीडम दैट ही स्ट्रगल्ड फॉर केम विद एन अनएक्सेप्टेबल प्राइस, दैट वाज द डिविजन ऑफ इंडिया। So, ये हो गया आज का हमारा नंबर सीरीज। आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो और आप रिविजन कर सको। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एडुकेमी एंड जॉइन।